आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यू। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स। नेक्स्ट है, ओएस स्टैंड्स फॉर, ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में कहते हैं ओएस। Which of the following programs is loaded first when starting a computer? जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला प्रोग्राम लोड होने वाला इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट लोड होता है, उसके बाद हम कुछ भी काम करते हैं, बैकग्राउंड में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करते रहता है, यानी कि रन रहता है, चलते रहता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क बिटवीन, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में काम करता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? किसके बारे में? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, ओएस प्रोवाइड्स अ लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इजीली काम कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है इनमें से? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए बी सी और डी। तो करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर होगा, पास्कल, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या फिर ये सभी? तो राइट आंसर हमारा डी नंबर होगा, ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। What is the maximum length of the file name in DOS? DOS में file name का maximum length कितना होता है? तो correct answer हमारा B number होगा, 8। इसी question को exam में आपसे advanced तरीके से ऐसे पूछेगा, What is the number of characters contained in the primary name of the file of MS DOS? तो correct answer क्या होगा? बी नंबर, अप टू 8 कैरेक्टर्स। देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से पूछे, आप उसका आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन चाहे कितने भी बेसिक लेवल का आए, वो आपको हार्ड ही लगेगा। इसीलिए आप चीजों को कंप्लीट कीजिए, किसी भी चीज को क्लियर कीजिए, अपने सारे डाउट्स को, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एमएस डोस की फाइल के प्राइमरी नेम में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हमारा बी नंबर हुआ, अप टू 8 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड, नोट पैड का इनमें से कौन सा एक्सटेंशन है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर, .txt। MS-DOS is an example of, MS-DOS इनमें से किसका example है? तो correct answer क्या होगा? CUI, ठीक है? CUI का full form क्या होता है?
तो यहाँ पे चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, करेक्टर यूजर इंटरफेस। लिनक्स एंड विंडोज आर एग्जांपल्स ऑफ, लिनक्स और विंडोज ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये किसके एग्जांपल है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर जीयूआई। जीयूआई स्टैंड्स फॉर, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ए बी सी और डी। करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं जीयूआई को। जीयूआई एंड सीयूआई आर द टू टाइप्स ऑफ, जीयूआई और सीयूआई ये दोनों जो है ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है और सीयूआई करेक्टर यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, वायरस प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, हम कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते हैं अगर इसमें क्या नहीं हो तो, तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर को बूट नहीं कर पाएंगे। बूटिंग मींस, बूटिंग का मतलब क्या होता है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। टर्न ऑन द कंप्यूटर फॉर फर्स्ट टाइम ऑन अ डे इज कॉल्ड अ, इसे हम कहते हैं कोल्ड बूट। देखिए दिन में पहली बार जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसे कहा जाता है कोल्ड बूट, तो ये भी याद रखिएगा, बूटिंग से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। रीस्टार्टिंग अ रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि जो कंप्यूटर अभी चल रहा है उसे रीस्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, तो करेक्ट आंसर होगा वार्म बूट। हु इज कॉल्ड अ सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर एक्टिविटीज, कंप्यूटर एक्टिविटीज का सुपरवाइजर कौन होता है, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अपने कंप्यूटर को चला नहीं सकते हैं। जिस तरह किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर रोल प्ले करता है, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूजर टू डू हिज और हर वर्क, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी यूजर को उसका काम करने में हेल्प करता है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसे हम अपने अकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किस ईयर में डेवलप हुआ था, तो राइट आंसर होगा बी नंबर 1950 में। विच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, तो राइट आंसर डी नंबर होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन वर एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस, इस क्वेश्चन में आपको ईयर बताना है कि किस ईयर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर 1985 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर अ कमांड टू रन, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे जरूरत नहीं पड़ती है कमांड चलाने के लिए, तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें हमें कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखिए पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमें कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो राइट आंसर था विंडोज। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर,
विंडोज इज अ जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज होता है ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए हमें इसे यूज करने के लिए कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम कोई भी काम ग्राफिकली करते हैं। बाय विच लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो राइट आंसर होगा बी नंबर, लाइनस टॉलवर्ट्स के द्वारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, ये नाम आप याद रखिएगा। कार्ड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कार्ड रीडर इनमें से किसका एग्जाम्पल है, मल्टीटास्किंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कार्ड रीडर का एग्जाम्पल है। मोस्ट पॉपुलर 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम इज, इनमें से कौन सा 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, तो राइट आंसर हमारा ए नंबर होगा, MS-DOS, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, परफॉर्मेंस मॉनिटर, यानी कि किसी भी चीज के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी जॉब क्या होता है, प्रोवाइड यूटिलिटी, मैनेज रिसोर्सेस, कमांड रिसोर्सेस, बी यूजर फ्रेंडली, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, मैनेज रिसोर्सेस, जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेस होते हैं उन सभी चीजों को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब होता है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेस, ये एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करता है। सेकेंड कहता है इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम रन करते हैं उनके बीच में इंटरफेस का काम करता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड कहता है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम को सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, ये सभी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो आप इसे ना चाहे रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिखने आ जाएगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो इजीली ध्यान से लिख पाएंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन ऑफ क्या है, सॉफ्टवेयर रूटीन्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज और आर, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का करेक्टरिस्टिक्स है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी, ये चीज हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, तो राइट आंसर हमारा डी नंबर होगा, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और एरर रिकवरी, ये तीनों। एट अ टाइम विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो राइट आंसर हमारा डी नंबर होगा, डोस। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, डोस, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि डोस जो होता है ये एट अ टाइम एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सी नंबर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस का फुल फॉर्म है। When were MS-DOS developed?
एमएस डॉस को किस ईयर में डेवलप किया गया था? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर 1984 में। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज सपोर्टेड बाय द विंडोज ओएस? इनमें से कौन सा फाइल सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर होगा, ये सभी। फर्स्ट है NTFS, EXFAT, FAT32, ये तीनों, ठीक है। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। राइट आंसर होगा डी नंबर, फाइल एलोकेशन टेबल। फिर NTFS स्टैंड्स फॉर क्या होता है, NTFS का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ए नंबर, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ NTFS। Which key is used by the user to switch between applications running simultaneously in Windows operating system? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ चलने वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके बीच स्विच करने के लिए यूजर कौन से की का यूज करेगा इनमें से? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, अल्ट प्लस टैब का आप यूज करेंगे। इसका आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड अ, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को हम और क्या भी कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम कहते हैं। किसे? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को। Which of the following operating system does not implement multitasking in the true sense? इनमें से कौन सा operating system multitasking को सही मायने में लागू नहीं कर सकता है? तो correct answer होगा हमारा यहाँ पे A number, MS-DOS। क्योंकि MS-DOS जो है ये single user operating system होता है, हमने आपको already एक question में बता दिया है। BIOS is used by, BIOS किसके द्वारा यूज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी आप याद रखेंगे। What is Kali Linux? Kali Linux इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम Kali Linux भी कहते हैं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नाम है बेसिकली। Which operating system require a command to run? इनमें से कौन सा operating system को run करने के लिए हमें command की जरूरत पड़ती है? तो correct answer क्या होगा? D number, Kali Linux को चलाने के लिए आपको command देना होगा। The function of operating system is or are? इनमें से कौन सा operating system का function है? एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी। important question है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट कहता है टू गेट द इंफॉर्मेशन एज इनपुट, इनपुट के रूप में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे प्राप्त करना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। सेकंड, टू डिस्प्ले द रिजल्ट एज आउटपुट, आउटपुट के रूप में जो भी रिजल्ट आते हैं उसे हमें डिस्प्ले करना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। थर्ड, टू मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को मैनेज और कंट्रोल करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं, आप इसे याद कर लीजिए। काव स्टैंड्स फॉर, COW का फुल फॉर्म क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, कॉपी ओवर राइट। Which of the following is not application software? इनमें से कौन सा application software नहीं है? MS Excel, WordPad, Photoshop, Windows 7। तो correct answer हमारा D number होगा, Windows 7। ये एक operating system है ना कि application software। Next है, which of the following operating system run on the server? इनमें से कौन सा operating system है जो server में run करता है? तो करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली रियल टाइम एप्लीकेशंस, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसे सपोर्ट करता है? रियल टाइम एप्लीकेशंस को। तो करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
When does space fault occur? Space fault कब होता है, कब ये एक्टिविटी होती है? तो राइट आंसर होगा द पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी, जब पेज मेमोरी में प्रेजेंट होता है तब ये काम होता है। फॉर विच पर्पज द फेंस रजिस्टर इज यूज, किस पर्पज के लिए फेंस रजिस्टर का यूज किया जाता है? मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए हम फेंस रजिस्टर का यूज करते हैं। विच प्रोग्राम रन्स फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द GUI? इस क्वेश्चन को समझिए, कंप्यूटर को बूट करने के बाद और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI लोड होने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा रन होता है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, ऑथेंटिकेशन। व्हाट टाइप ऑफ कमांड्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन डॉस? डॉस में अगर आप वेरियस टास्क करना चाहते हैं तो किस तरह की कमांड की जरूरत पड़ती है आपको? तो करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर होगा, एक्सटर्नल कमांड। व्हाट इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग कैन रन ऑन PC एंड लार्जर सिस्टम, यानी कि वो PC में भी रन कर सकता है और लार्जर सिस्टम में भी, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हमारा डी नंबर होगा, इन सभी चीजों को हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? इनमें से कौन सा विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, विंडोज 8 में। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट विंडोज 16 बिट? इनमें से कौन सा विंडोज 16 बिट सपोर्ट करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए नंबर, विंडोज XP। विच इज और आर नॉट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस चेंज है इसीलिए हमने फिर से इसे लिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर होगा, फाइल मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, प्रोसेस कंट्रोल। हु प्रोवाइड्स द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किस लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। तो करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, सिस्टम कॉल। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर बूट होने पर, कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कराया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का सेंस चेंज हो गया है, इसीलिए मैंने आपको दोबारा बता दिया है। यही होता है बेसिक और एडवांस में फर्क, क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस घुमा के पूछता है तो आपको समझ में नहीं आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। चीजों को समझिए और ध्यान से याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।